सिरोंज तहसील के बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर में पंचकुंडात्मक श्री रुद्र यज्ञ का हुआ आयोजन, विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन, प्रजापति समाज के कई लोग हुए शामिल। बुरहानपुर में शिवाजी जयंती पर निकाला जुलूस, घोड़े पर सवार होकर निकले उनके सैनिक, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी रही मौजूद। कटनी में चाय वाले की दुकान के पास खड़े युवक पर कुछ लोगों ने किया हमला, घटना का वीडियो हुआ वायरल, कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर निगम के पास का है मामला। नॉर्थ कोरिया ने 48 घंटे में दागी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की समुद्री सीमा में गिरी, यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल के बाद टेस्ट किया। रूस यूक्रेन जंग को हुआ एक साल, दुनिया बोली यूक्रेन ने हार नहीं मानी, लेकिन रूस ने ट्रेड रूट पर कब्जा किया। पाकिस्तानी तालिबान की धमकी, आतंकी संगठन ने कहा पुलिस पर हमला जारी रखेंगे, वो पर्ची एनकाउंटर करती है। तुर्की सीरिया में 46,000 से ज्यादा मौतें, त्रासदी को 2 हफ्ते पूरे, तुर्की सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया खत्म। अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों पर बैन, तालिबान ने कहा ये मुस्लिम आबादी रोकने की साजिश, बाद में सफाई कॉन्ट्रासेप्टिव पर रोक नहीं। असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड स्थित आवास पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, ओवैसी ने दर्ज कराई शिकायत, रात में लौटने के बाद पाया आवास पर पत्थर फेंके गए। जम्मू और कश्मीर के गंदरबल जिले के सेनमार्ग में रेजुन गनन गिर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए घर, निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा प्रखंड में नक्सलियों ने वाहनों को किया आग के हवाले, सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहे एक वाहन और 2 मशीनों को किया आग के हवाले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पत्र लिखकर जनगणना कराने की तारीख तय करने के लिए किया अनुरोध। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुरु नेशनल पार्क में 12 चीतों का जो है छोड़ा गया बाड़ों में, सीएम शिवराज और केंद्रीय कृषि मंत्री रहे मौजूद। सीएम शिवराज ने सोनसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण, कार्यक्रम में 122.55 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा, शिवपाल के साथ सपा विधायक धरने पर बैठे, मार्शल के साथ नोकझोंक, पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, विधानसभा सत्र तक हजरतगंज में नो एंट्री, शिक्षा मित्र महासम्मेलन के चलते आलमबाग में डायवर्सन। पटना में पार्किंग विवाद में फायरिंग, 2 की मौत, आजमेर गोदाम और मैरिज हॉल में आग लगाएगी, इलाके में तनाव। ब्लूटिक के लिए अब फेसबुक भी लेगा पैसा, जुगरबर्ग इसी हफ्ते लॉन्च करेंगे सर्विस, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। व्हाट्सएप ने ऐड किया नया पिक्चर इन पिक्चर फीचर, अब यूजर वीडियो कॉलिंग के साथ यूज कर सकेंगे दूसरे ऐप, 100 मीडिया फाइल भी भेज सकेंगे। ओयो के फाउंडर ने पीएम को दिया शादी का न्योता, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पीएम को शॉल उड़ाई, इस साल मार्च में है शादी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महाधिवेशन से पहले ईडी के छापे, कोयला घोटाले में 6 कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई, कांग्रेस बोली अधिवेशन डिस्टर्ब करने की साजिश। पौड़ी जनपद में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हाथ में काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट के समीप करेंगे प्रदर्शन, अंकित हत्याकांड की सीबीआई जांच, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बुरहानपुर जिले के नावरा रेंज के घाघरला में जंगलों को बचाने ग्रामीण चला रहे मुहिम, अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए एसपी राहुल लोढ़ा सहित पुलिस बल पहुंचे घाघरला। 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जेपी नड्डा उडुपी श्री कृष्ण मठ मंदिर में की पूजा अर्चना, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी करेंगे बातचीत। गाजियाबाद में भारतीय सेना की मेडिकल टीम स्वदेश लौटी, साहज पेरा फील्ड भारत पहुंचे, तुर्की में भूकंप प्रभावित प्रदान करने के लिए स्वदेशी टीम गई थी।